हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, नेवी रैंक्स टू बी रीनेम्ड इन लाइन विद इंडियन ट्रेडिशन, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि भाई जो इंडियन ट्रेडिशन आप उनके हिसाब से ही नेवी रैंक्स को नेम दो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे अनाउंस्ड दैट द नेवी विल रीनेम इट्स रैंक इन लाइन विद द इंडियन ट्रेडिशन एंड असर्टेड द कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड अबैंडनिंग द मेंटेलिटी ऑफ स्लेवरी। तो यहाँ पे मेंटेलिटी स्लेवरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्या है, स्पीकिंग ऑफ द नेवी इवेंट एट मालवन इन द बैकड्रॉप ऑफ द आइकॉनिक सिंधुदुर्ग फोर्ट इन 17th सेंचुरी बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। तो सिंधुदुर्ग फोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज और 17th सेंचुरी। द मिनिस्टर सेड द इंडियन नेवी इज नाउ गोइंग टू नेम इट्स रैंक इन लाइन विद द इंडियन ट्रेडिशन। मोदी ऑल्सो डिक्लेयर दैट द एपेलिट adorned by a navy officer will now highlight the heritage and legacy of the Chhatrapati Shivaji Maharaj as the new one will be to the naval ensign. He recalled unveiling the naval ensign last year, paying tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj for his vision and warfare strategy. The Prime Minister said the Maratha king knew the importance of the naval power and built a strong one. Taking inspiration from the Chhatrapati Shivaji, India has left behind the mentality of slavery and is racing forward on all fronts, he said. Chhatrapati Shivaji Maharaj se inspiration leke India aage badh raha hai. He also expressed his government's commitment to increasing the numerical strength of women in the armed forces and hailed the appointment of a female officer to command the naval ship for the first time. इक्वालिटी चाहिए पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, अच्छा है। वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द नंबर ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्स, वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ट्रस्ट ऑफ 140 करोड़ इंडियन इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एज द कंट्री इज सेटिंग बिग गोल्स एंड वर्किंग टू अचीव देम विथ डिटरमिनेशन। टुडे द कंट्री हैज टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम द हिस्ट्री एंड इज प्रिपेयरिंग अ रोड मैप फॉर द ब्राइट फ्यूचर। पीपल हैव प्लेज्ड to move in every field by defeating the politics of negativity. Pledge will take us towards a developed India. तो ये वो डेवलप इंडिया बनाएगा, प्लेज, कसम जो हमने खाई है इसको। He says that the country's history is not about slavery, defeats and disappointments, but the glory of India's victories, courage, knowledge and science, art, creativity, skills and maritime capabilities. Highlighting the age of the Indus Valley Civilization, a port found in the Lothal in Gujarat, the docking of more than 80 ships in the port of Surat. इंपॉर्टेंट हो गया भैया, पढ़ लो। लोथल पोर्ट देख लो उसके बारे में आसपास, और सूरत भी देख लो कहाँ है, लोकेशन मैप पे देख लो, ठीक है? यहाँ बिल्कुल लोथल, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे एंड पे। द पीएम क्रिएटेड India's maritime strength for the expansion of trade to countries of Southeast Asia by Chola Empire. तो Chola Empire भी कवर कर ले। अरे तुम सलेबस ही बढ़ा दो ना, डायरेक्ट एंशिएंट इंडिया। मोदी जी ऐसे एक एक नाम नहीं, एंशिएंट इंडिया बोल दो, हम सब पढ़ लेंगे के लिए। मोदी पॉइंटेड आउट दैट इट वाज इंडियाज मैरीटाइम कैपेबिलिटी दैट फर्स्ट केम अंडर अटैक फ्रॉम द फॉरेन पावर इंडिया which was famous for making boats and ships ceded control of the sea and thereby lost strategic economic strength. As India is moving towards development, the Prime Minister is regaining the lost glory and highlighted the government's impetus to blue economy. Blue economy important. He referred to the port-led development under the Sagarmala. The port-led development, which will lead to Adani development. Under the Sagarmala, अडानी पोर्ट्स खरीद लो प्रोजेक्ट एंड सेट द कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स हार्नेसिंग ऑफ फुल पोटेंशियल ऑफ इट्स ओशन अंडर द मेरीटाइम रीजन। तो अब आप देखो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। इतना तो समझ में आ गया कि एंशियंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, अब इसमें जो कुछ कीवर्ड्स मेंशन है वो बता देता हूँ, वैसे तो पढ़ के सब जाना है। लोथल, ठीक है, और सूरत पोर्ट, और उसके बाद से आप देखिए हमने चोला देखना है। रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू
साउथ ईस्ट एशिया, इनका क्या चोला एम्पायर का रिलेशन था? शिप बिल्डिंग, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड, शिवाजी, शिवाजी महाराज। तो अगर ये देखेंगे तो हमें वर्सेस इनको मुगल तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सिंधु दुर्ग फोर्ट बना था 17th सेंचुरी में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। और ब्लू इकोनॉमी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्या होता है, ठीक है, शिवाजी महाराज के फोर्ट हमें पता होने चाहिए और इसके पोर्ट हमें पता होना चाहिए, एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से थे, ठीक है। ये चोला एम्पायर हमने देख लिया, लोथल का पोर्ट देख लिया, सूरत का पोर्ट लिया, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी देख ली हमने। हाँ, फोर्थ आप देखिए, पोर्ट लेड डेवलपमेंट और सागरमाला। सागरमाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इंस्पिरेशन किससे लिया है हमने? शिवाजी महाराज से। बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? कि हमारे सेटिंग बिग गोल्स हमारे स्ट्रेंथ है, अचीविंग देम। तो ये सारी चीज़ें कुछ छोटी छोटी बातें, छत्रपति शिवाजी महाराज, सिंधु दुर्ग फोर्ट हमने देख लिया और शिवाजी महाराज की लेगेसी हमें देखनी, इनकी लेगेसी देखनी है। अब आप देखिए क्या हटाना है, स्लेवरी हमें हटाना है। हमारा क्या है मतलब, टू सेट बिग गोल्स अचीव देम, ये हमारा किसका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इंडियंस, इसमें बताया गया है, ठीक है। मैं स्लेवरी को हटाना है हमें, ये बताया गया है। और बचता है इस आर्टिकल में, वुमेन 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 वुमेन, तो इनको अच्छे से इक्वालिटी मिल रही है, नेवल कमांड इनको दी जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वुमेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वुमेन तो ये इधर पॉजिटिव साइड में टू है।